हेलो दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीक हमने फिनविश या ट्रेड टर्मिनल V3 का सोर्स कोड आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इसी सीरीज में आज हम जीरोधा के ट्रेड टर्मिनल को आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि उन्हें सर जीरोधा के ट्रेड टर्मिनल का सोर्स कोड चाहिए। तो मैंने चलो सोचा ठीक है, आप लोग साथ शेयर करता है। तो ये सोर्स कोड कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस वीडियो में हम लोग उसी प्रोसीजर को देखेंगे। तो हमने फिनविश का सोर्स कोड को भी गिटहब पे शेयर किया था, इसके भी सोर्स कोड को गिटहब पे शेयर किया है। तो गिटहब का ये जो लिंक है, इसको आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप देख भी लो। इंडियन एल्गोरिथम ट्रेडिंग कम्युनिटी में जाना है, यहाँ पे जाके आपको रिपोजिटरी पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सोर्स कोड शेयर किए हुए हैं, किसी का फेयर्स के रिलेटेड या जीरो, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स यहाँ पे अपने कोड को शेयर करते हैं। तो आप भी अगर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपने अपने कोड को सबमिट कर सकते हैं, या यहाँ कोड को देख के आप कुछ रेफर करके अपना टूल भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं पाइथन ट्रेडर एक्सेल टर्मिनल के। आप इसके अंदर जाइएगा, यहाँ पे हमने पहले फिनवेशिया का टूल को, सोर्स कोड को फिनवेशिया फोल्डर के अंदर डाला था। तो आज हम लोग जीरोधा का जो भी सोर्स कोड है, इसको हमने जीरोधा फोल्डर के अंदर डाला है। तो इसका मैं लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यही सोर्स कोड है जो हमारी इनक्रिप्टेड फाइल, जो कोर फाइल थी, जिसको मैंने इनक्रिप्ट करके आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया था, इसको मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। अब इस सोर्स कोड में जब ओपन करिएगा, तो यहाँ पे आपको सभी कुछ, आपका जो भी सोर्स कोड है वो सभी का आपका दिखाई देगा। हमने क्या लिखा, कैसा लिखा वगैरह, ये सब आपको दिखाई देगा। आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस पर क्लिक करने पे, डाउनलोड करने के बाद ये जैसे देखो, मैंने यहाँ भी डाउनलोड करके रखा हो। तो यही सारे सोर्स कोड है अराउंड 25-26 लाइन्स की। तो यही सारे सोर्स कोड आप इसको देख के समझिए। कुछ अगर आप इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, या कुछ भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, सपोज को आप हिस्टोरिकल डाटा ऐड करना चाहते हो, या टेक्निकल इंडिकेटर ऐड करना चाहते हैं, या कोई स्ट्रैटेजी ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस पाइथन के टर्मिनल में जाके स्ट्रैटेजी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको पाइथन का आइडिया होना चाहिए, कैसे ब्रोकर से डाटा लेते हैं, कैसे हिस्टोरिकल डाटा लेते हैं। तो वो बेसिक चीज़ें अगर आपको आती है, तो इस टूल को आप और भी ज़्यादा इंप्रूव करके और भी ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, इसका मैं लिंक दे दूंगा। तो और ये है, आपको अपने पर्सनल यूज के लिए आप कर सकते हैं। आप इसको अपने मॉडिफाई करिए अपने, या कुछ जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या कुछ भी चीज़ें आपको लग रही है कि यहाँ पे और भी बेटर तरीके से लिखा जा सकता था, आप उस कोड को इम्प्रूव करके हमारे साथ शेयर करिए, या यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट भेजिए, तो हम उसे अपडेट भी कर लेंगे। आपने जो भी चेंजेस किया है, मैं मुझे एक्सेप्ट सही लगा। तो एक छोटा सा वीडियो था, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो हम लोग नए वीडियो में बहुत सारे टूल्स पे काम चल रहा है, तो वो भी आप लोग साथ जल्दी ही जल्द शेयर करने वाले हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में जो एक्सेल सीट है, जो एक्सेल कोड है, इसको आप पर्सनली यूज करिएगा। आप कमर्शियली इसको आप रिसेल करने का राइट्स मैंने नहीं दिया है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।